समय समय का मोल है और समय समय की बात, यदि कोई समय का दिन पड़ा तो कोई समय की रात। प्रेमिया अपना देश में राजा दुमत सेन राज करया करतो, तो राजा दुमत सेन राज करया करतो, रानी को नाम सभ्या, एक लड़को लड़के को नाम सत्यवान, राजा रानी के एक चोड़ा राय नाम को वजीर रहा करतो, नौकर रहा करतो। राजा रानी दोनों आंखें सुंदा हो जाए तो वो चोड़ा राय वजीर वहां को राजपाट ले ले है। जब सत्यवान बड़ो हो जाए तो सत्यवान ने कोई समझदार आदमी राय दी कि यदि तेरे माँ बाप ने जिंदो रखना चाहो तो तू इस जगह सो ले जा। तो सत्यवान आपके माँ बाप ने ले ले है, आपकी राज पोशाक ले ले है और एक बणिये करे जाए है, और के बणिये ने सत्यवान विनती करे अर्ज करे और के बणियो जवाब दे रखे बार का आदमी करीब लाला ओ दया कर दे रे, टोट में दुखिया के कपड़े गिर धर लिए रे, टोट में दुखिया के कपड़े गिर धर लिए रे, आदमी करीब लाला दया कर दिए रे, दया कर दिए, ठोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे भर लिए, ए बनिया मेरा कपड़ा तो गिरवे रख ले और मन कोई और एक चीज दे दे। वाणियों के लगे सत्यवान इस दुनिया में बहुत लोग गरीब है, मैं की गरीबी दूर करूं। सत्यवान कहने लगे बनिया ये माया को कोई अभिमान नहीं करया करा, फिरती गिरते छाए दो दिन कोई कन और दो दिन कोई कन। सत्यवान कहने लगे कि कदे हम राजा थे भोपाल, आज हो लिए बिन पैसे कंगाल, 9 करोड़ के लाल सारे मिट्टी में गिर लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे चलिए। और कहने लगे मैं तेरे को ज्यादा माल नहीं मांगू, और एक कारण है मैं क्यों आयो तेरे कने, मेरी माता अंधी किस्मत माड़े की, मेरा माँ बाप का बड़ा किस्मत माड़ा की कि राज घराणु होता है, राज महल सब कुछ होते हैं, बाकी आंख चली गई और घर घर का भिखारी होगा। मेरी माता अंधी किस्मत बाड़े की, सबने गरज पेट बाड़े की, एक रस्सी और कुलाड़े की, हाँ भर ली ज्यादा माल नहीं मांगू, एक रस्सी दे दे, एक कुमार दे दे, मैं मेरा माँ बाप अंधा होगा आपको पेट गुजारो कर सकू, एक रस्सी और कुलाड़े की, हाँ भर लिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे बोलिए। तो सत्यवान आपका कपड़ा लता पानी के गिरवर मिल दे है और एक रस्सी ले ले रे कुमारते ले ले है और जंगल में लकड़ी काटने चले हैं और बताई है गहने वस्त्र धर दिए लिए रस्सी कुलाड़े हाथ लकड़ी काटन चल पड़े भज जगत पति रघुनाथ। सत्यवान आपके माँ बाप ने ले ले है और रस्सी कुमारते ले ले है और जंगल में चले जाए हैं, अरे माँ बाप को पेट भरे लकड़ी काटे। एक दिन सत्यवान मन में विचार करे हे भगवान तेरी माया अजब निराली, तू आग लगा के बाग लगा दे, बाग लगा के आग लगा दे। तो सत्यवान मन में विचार कर रहे अरे सत्यवान माँ बाप के दुखी बांटने वाले हो गए, राजकरणी बालक लकड़ी बांटने वाले हो गए, लकड़ी
माँ बाप के दुख बांटने वाले हो गए, राजकरणी में बालक लकड़ी काटने वाले हो गए। हे भगवान तेरी अजब निराली माया है, जिसको राजकरणी टाबर हो युवराज हो, जिसको आज जंगल में लकड़ी काटे है। सत्यवान मन में विचार करे कि आदमी की समय समय की बात है और कहे है, अरे बड़ी खमाम है मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा, बड़ी खमाम है मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा, बिकड़ी खमाम है मात जाए भाई न्यारे हो जा, बिकड़ी खमाम है मात जाए भाई न्यारे हो जा। अरे कोई बिना पास बटन दे दुश्मन सादे हो जा, कोई बिना पास बटन दे दुश्मन सादे हो जा, विपत्त पड़ी में राज करनी है लकड़ हारे हो जा, विपत्त पड़ी में राज करनी है लकड़ हारे हो जा, मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जाए, प्रेमी आदमी की अभा पक्ष की हो गए, आदमी खिलाफ चलनी है, वो कहे एक ही बात है ठीक है चल सी आ, बढ़िया मामा मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा, और बिगड़ी मामा माँ के जाए भाई न्यारे हो जा, और समय पक्ष के नहीं हो तब भाई भी क्या कहे देख लेगा तन्ने, बढ़िया मामे मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा, बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई न्यारे हो जा, कोई भी ना पास बैठन दे दुश्मन सारे हो जा, और विपत पड़ी में राजकरणी लकड़ा रे हो जा, लहर मरणी है आज टेम पर नाटन वाले हो गए। सत्यवान के मन जका क्या करता, तेरे लिए यार जान दी दिया बकठी है और आज तू कठी, लहर मरणी है आज टेम पर नाटन वाले हो गए, राजकरणी बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। सत्यवान जंगल के माँ लकड़ी काटे, आपके माँ बाप को पेट भरे धंधो लाग रही, प्रेमियों मगध देश को राजा हो अश्वपति, राजा अश्वपति के एक सावित्री नाम की लड़की, सावित्री बड़ी हो जाए तो राजा अश्वपति मन में विचार कर रहे कि भाई जी घर में कन्या कमारी हुआ भी बाप को यो धर्मनी निर्भव की शो है, लेकिन राजा जठे घर देखे बटे वर नहीं, वर देखे बटे घर नहीं, राजा अश्वपति बड़ो परेशान हो जाए हैं, तो सावित्री आपके पिता ने परेशान देख और विचार वो कर रहे हैं कि अपना पिताजी परेशान हो रहे हैं, अपना खुद ही पति की तलाश कर, तो सावित्री खुद पति ढूंढ बन जाए है, सावित्री भी जंगल के मां जा है, जी जंगल के मां सत्यवान लकड़ी काटा कर, सत्यवान एक पेड़ के ऊपर लकड़ी काट रहे हो, सावित्री नीचे जाके कहने लगी अरे पेड़ पर लकड़ी काटने वाले जरा नीचे आ जा, तेरे से दो बात करना चाहती हूं। सत्यवान मन में विचार करियो राजघराना गयो आप बलाए के आई है, तो सत्यवान सावित्री ने बूझे है कि भाई तू है कौन, तो के सावित्री जवाब दे है और के बार था यावे, अरे पेड़ से नीचे आ जा रे तेरे चरणों की दास, पेड़ से नीचे आ जा रे तेरे चरणों की दास, भर दे मांग में संदूर तेरे दर्शन की दास, भर दे मांग में संदूर तेरे दर्शन की दास, ओ पेड़ से नीचे आ जा रे तेरे चरणों की दास, पेड़ से नीचे आ जा रे तेरे दर्शन की दास, भर दे मांग में संदूर तेरे दर्शन की दास, भर दे मांग
कि पेड़ से नीचे आ जा तेरे चरणों की दासी बरदे मांग में संदूर तेरे दर्शन के। यासी पहले पेड़ से नीचे आ, सत्यवान पेड़ से नीचे आ जाए और शालत्री ने गांव नाम पूछे और कह वह कौन कटे की रहने वाली बता कटे घर काम तेरा, कौन कटे की रहने वाली बता कटे घर काम तेरा, पिया पान खंड खंड में तो लड़का एकली काके काम तेरा, पिया पान खंड खंड में तो लड़का एकली काके काम तेरा, पिया पान खंड खंड में तो लड़का एकली काके काम तेरा। भक्त और भगवान की जय। सत्यवान सावित्री ने पूछे है कौन कठे की रहने वाली बता कठे घर गांव तेरा, बियाबान मन खंड में डोलन का एकली का के काम तेरा, कठे के रहने वाली ही बियाबान जंगल में एकली लुगाई की जाती तेरा और एकली क्यों फिर उदय हो गया भान चंदा पूर्णमासी बरदे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन के। प्यासी सावित्री जवाब दे कि सत्यवान मैं मगध देश की रहने वाली अश्वपति की जाई हूँ, मगध देश की रहने वाली हूँ, मेरे पिता को नाम राजा अश्वपति है, मगध देश की रहने वाली अश्वपति की जाई हूँ और जोड़ी का बर टोने खातरी बियाबान जंगल के मां आई हूँ, तेरी मेरी दोनों की एक है राशि और तेरे को मैं मेरे दिल के अंदर मेरा पति मान चुकी। सत्यवान कहने लगे सावित्री तेरी मन बात बड़ी अच्छी लगी, पढ़ी के माए के कारण है सावित्री के लगी कि सावित्री तेरी बात का मन आता घना प्रेम है, सावित्री तेरी बात का मन आता घना प्रेम है, मात पिता की आज्ञा बिना ना शादी करने का नेम, मेरे माँ बाप ने बुझिया बिना मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकता। सावित्री कहने लगी रे सत्यवान तू माँ बाप ने बूझे मैं ना को नहीं कर सके, और एक कवि की रचना है पुरुष की जगत में और खोती है एक नार, पति वरता अपने जन्म में चुनती एक वरदान कि पतिव्रता स्त्री को युद्ध धर्म नहीं कि जने जने के गले में वरमाला गिरे। सत्यवान कहने लगे सावित्री अपने लड़ाई झगड़ो और जिद्दी करने में तो कोई सार नहीं, तू और मैं मेरे माँ बाप का निशाला फिर मेरा माँ बाप हाँ ही कर ली और अपनी शादी हो जाए। तो सत्यवान सावित्री और दोनों सत्यवान के माँ बाप के करने जाए हैं और बताई है जती सती दोनों चले धरी शिवर का ध्यान, सावित्री के साथ में चल पड़े वीर सत्यवान। सत्यवान सावित्री सत्यवान के माँ बाप के कहने जाए प्रेमियों, सत्यवान की माँ सभ्य रानी आंखें अंधी
सावित्री जाके भी बियाबान जंगल के मा और सभ्य रानी का चरण छुए और बहु बनने को आशीर्वाद मांगे। तो के सभ्य रानी और सभ्य रानी सावित्री ने सत्यवान समझ के आशीर्वाद दे और के सावित्री जवाब दे। तो के सभ्य रानी कहे है अरे आप ते सत्यवान तेरे पे हुई आनंद आत्मा मेरी सासू ते बरदान सब तेरी बहु बने से तेरी सासू ते बरदान सब तेरी बहु बने से तेरी अरे आप ते सत्यवान तेरे पे हुई आनंद आत्मा मेरी बहु बने से तेरी ओ सासू दे वरदान सब तेरी बहु बने से ओ बहु बने से तेरी रे या बहु बने से तेरी बहु बने से तेरी रे या बहु बने से तेरी ओ सासू दे वरदान सब तेरी बहु बने से आनंद आत्मा मेरी सावित्री कहना की सासु दे वरदान सावित्री बहु बने से तेरी मैं तेरा सत्यवान नहीं मैं सावित्री हूँ और मनिया को आशीर्वाद दे मैं तेरे बेटे की बेननी बनू। सभ्य रानी अचुम पड़ गया है और सत्यवान सावित्री ने कहना की कि ये सावित्री मेरे सत्यवान के बहु खटा से वही सगाई को ना सत्यवान के बहु खटा से वही सगाई मैं भी सासू अब तक ये शादी करवाई कोना मैं भी सासू अब तक ये शादी करवाई कोना अरे खुण सा हो क्या खोत बाप ने बेटी ब्याई कोना खुण सा हो क्या खोत बाप ने बेटी ब्याई कोना यही खोत से जोड़ी का पर दिया दिखाई कोना सगाई कौन है तू बीननी आई कठे कठे बात ही कौन चले सावित्री कहने लगी मैं भी सासू अब तक ये शादी करवाई ओन्या मैं भी कमारी हूं। सबेरन कहने लगी कि कौन सा हो गया खोट बाप ने बेटी गई कौन है अति बड़ी बेटी के कारण है कुमारी फिरे सावित्री के यही खोट से जोड़ी का वर दिया दिखाई ओन्या भरत संग में
भरत खंड में सिंह बिना सिंहने रहे ना एक देरी सासु दे वरदान सावित्री बहु बने तेरी सबेरणी कहेगी सावित्री तेरो गांव नाम के सावित्री जवाब दे है कि कौन कठे की रहने वाली कैसे नाम बाप का सावित्री के मगध देश का अश्वपति जो समुद्री बन जा आपका थारो सगो बने मेरे बाप को नाम अश्वपति है। सबेरानी कहना की सावित्री कदे झूठ बोल की दाग लगा दी मेरा छोरा बड्डी खाम का मेरो छोरो बदमाश बहुत तो ब्यूरो पड़े हो सावित्री के झूठ नहीं बोलू राम देखनी पुण्य और पाप का हे सासु जी थाने तो कोने दिखे तारी तो आंख है भगवान ले ली पण ऊपरलो तो देखे ले मेरी शुद्ध आत्मा है सासु मेरे ने याद न हेरा फेरी सासु दे वरदान सावित्री हो बहु बने से तेरी। सबेरानी कहने लगी कि सावित्री यदि तू वास्तव में राजा अश्वपति की लड़की है तो मेरे सत्यवान ने तू पूरो जाने नहीं तो सत्यवान के कारोबार के बारे में और सबेरानी सावित्री ने बतावे है और के सावित्री जवाब देर के बार आवे। अरे मेरे सत्यवान के लेरे लाडली भोत पूरे सफले कदे लाभ कदे हानि सासु ये दुनिया के धंधे कदे लाभ कदे हानि सासु ये दुनिया के धंधे कदे लाभ कदे हानि सासु ये दुनिया के धंधे। मेरा सत्यवान लखड़ा हाला से हम माता पिता भी अंगे मेरा सत्यवान लखड़ा हाला से हम पिता भी अंगे वही बात से ना हटा करे जो सतपति के बंदे वही बात से ना हटा करे जो सतपति। अरे सोच समझ की प्यार करना कदे वो ध्यान डूबा देवी सोच समझ के प्यार करना कदे वो ध्यान डूबा देवी वो सासु के वरदान सावित्री बहु बने से तेरी वो सासु के वरदान सावित्री बहु बने से तेरी वो बहु बने से तेरी रे या बहु बने से तेरी बोलो गंगा मैया की जय। सबेरानी कहने लगी सावित्री मेरा सत्यमान लकड़ा हरा से मेरे सत्यमान के लेरे लाडली बहुत बुरे से फंदे सावित्री के कदे लाभ कदे आने सासु ये दुनिया की आदमी धंधो करे भी नुकसान भी हो जाए फायदो भी हो जाए तो सबेरानी कहने लगी कि मेरे सत्यमान के लेरे लाडली बहुत बुरे से फंदे मेरे सत्यमान के बहुत बड़ी तकलीफ है क्यों दो तो मेरे माँ बाप हाँ जो कहेंगे न तो आंख है वृद्ध होगा आंखों पेट के हैं भाई मेरे सत्यमान के लेर लाडली बहुत बुरे से फंदे सावित्री के कदे लाभ कदे आनी सासु ये दुनिया के धंधे आदमी धंधो करे भी नुकसान भी हो जाए फायदो भी हो जाए। सबेरानी कह लगे मेरा सत्यमान लकड़ा रस है तू देखो और जानो बीएड करके आए ओ अठई लकड़ी काटी है मेरा सत्यवान लकड़ा हरा से हम मात पिता भी अंधे सावित्री के वही बात से ना ठा करे जो सत वचनों के जब आदमी साची बता दे क्यों पीछे पैर सरकाणो मतलब के। सबेरानी कहने लगी सावित्री मान ले तेरे पास टाइम है सोच समझ की व्याकरण कदे हो ध्यान डूबा डेरी तावड़ तावड़ में अर जल्दी जल्दी आटा ले लियो और छेग मना बाद में ओ तन चोखो नहीं लागे तू इन चोखी नहीं लागे कोर्ट के बीच कागज कराता फिर सोच समझ की व्याकरण का दे ध्यान डूबा डेरी सासु दे वरदान सावित्री बहु बने से तेरी तो सावित्री सगाई पताई करकी और पछि आपका देश आ गया है प्रेमियो जी टाइम है सावित्री हाँ लो मत करो भाई बोलो गंगा मैया की जय हो। सावित्री घर बड़माल नहीं लागे है तो नारद जी महाराज मिल जाए और नारद जी महाराज सावित्री ने कहला के सावित्री कहां से आई है बोले जंगल से आई हूं
क्यों गई थी? हे महाराज, पति की तलाश के लिए गई थी और पति की तलाश करके आई। नारद जी कहना के सावित्री, जिसको तू पति मान के आई है वो तेरे लायक नहीं है, उसका साथ छोड़ दे। तो सावित्री जवाब दे नारद जी ने, ओ सती का अरे धर्म नहीं जो छोटे साथ पति का, सती का धर्म नहीं छोटे साथ पति का, सती का धर्म नहीं जो छोटे साथ पति का, सती का धर्म नहीं जो छोटे साथ पति का, ओ छोटे साथ पति का, पति का छोटे साथ पति का, ओ छोटे साथ पति का, पति का छोटे साथ पति का, सती का सती का सती का धर्म नहीं जो छोटे साथ पति का, सती का धर्म नहीं जो छोटे साथ पति का, सती का धर्म नहीं जो छोटे साथ पति का। अरे लकड़ी काटता मिल गया बन में, ओ लकड़ी काटता मिल गया बन में, सत्यवान मेरे बस गया मन में, सत्यवान मेरे बस गया मन में, जैसे चंदा चमके गगन में, जैसे चंदा चमके गगन में, कहने में कोई शर्म नहीं धड़कने एक रति का, सती का धर्म नहीं जो छोड़े साथ पति का, सती का धर्म नहीं जो छोड़े साथ पति का। ओ नारद जी ने वचन सुनाया, ओ नारद जी ने वचन सुनाया, एक साल का जीवन बताया, एक साल का जीवन बताया, सावित्री का भरम मिटाया, उस सावित्री का भरम मिटाया, कहने में कोई शर्म नहीं धड़कने एक रति का, सती का धर्म नहीं जो छोड़े साथ पति का, सती का धर्म नहीं जो छोड़े साथ पति का, ओ छोटे साथ पति का, पति का छोटे साथ पति, छोटे साथ पति का, सती का धर्म नहीं जो छोटे साथ पति का, सती का धर्म नहीं जो छोटे साथ पति का। बोलो गंगा मैया की जय हो। सावित्री कहने लगी नारद जी, सती का धर्म नहीं जो छोड़े साथ पति का, लकड़ी काटता मिल गया बन में, यहाँ बियाबान जंगल के मांग गई, और लकड़ी काट तो मैंने मिल गई, मारी कोई पहले की मूला खाते ही नहीं, मारा तो कोई पूरे बल्ले जन्म का और कोल करार है, लकड़ी काटता मिल गया बन में, सत्यमान मेरे बस गया मन में, जैसे चंदा चमके गगन में। सावित्री ने नारद जी कहने लगे, सावित्री तू तेरी बात कर दी पर मेरी भी सुन। नारद जी ने वचन सुनाया, एक साल का जीवन बताया, जिस सत्यमान को तू पति मान की उसकी उम्र केवल एक साल की, एक साल के बाद में वो इस पृथ्वी से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। सावित्री का भ्रम मिटाया, कहने में कोई शर्म नहीं फरकना एक रति का, सती का धर्म नहीं जो छोड़े साथ पति का। प्रेमियों नारद जी और सावित्री नहीं माने तो सावित्री के पिता राजा अश्वपति ने समझा, लेकिन राजा अश्वपति भी यू ही निर्णय ले है, वे सावित्री ने तय कर लिया सब ठीक है, तो सावित्री की सत्यवान की शादी कर दे। जबकि नारद जी बात बताई बात सावित्री पैरवा पर गिरा करते। प्रेमियों एक साल बीतता कोई बार नहीं लगे है, जो नारद जी बतायो वो दिन आयो, सत्यमान रोज और भी बियाबान जंगल के मैं लकड़ी काटबाना जाया करता हूं। जगह देने सावित्री कहने लगी, महाराज आज आपके साथ मैं भी चलूंगी। तो सत्यवान के सागे सावित्री और जंगल के मां लकड़ी काटवाना चली जाए, सत्यवान पेड़ के ऊपर लकड़ी काट रहे हो, सावित्री नीचे बैठी बैठी इंतजार करे। यम का दूत आके थोड़ी आवाज बढ़ावे और सत्यवान के चारों मेरे चक्र लगावे,
तो सत्यवान पेड़ के ऊपर सो और सावित्री ने कहे है और के सावित्री पाछो सत्यवान ने जवाब दे है और के वार्ता बन रखी अपने राम सभा सुने है। अरे सावित्री मेरी जान काट कोई ले जाना चावे से मेरी काया के मां भड़क लाग री शक्कर साल आवे से मेरी काया के मां भड़क लाग री शक्कर साल आवे से। अरे सावित्री मेरी जान काट गई ये जाना चावे से भगवान की जय। सत्यवान पेड़ के ऊपर सावित्री ने कहे कि सावित्री मेरी जान काट कोई ले जाना चाहे सावित्री मेरे ये हो रही है कि मेरे कोई काल जो काट रह जाए सावित्री मेरी जान काट कोई ले जाना चाहे मेरी काया के मां भड़क लाग रही चक्कर सा आवाज है। सावित्री ने पतो लागो कि नारद जी जकी बात बताई एक साल पहले आज पूरी हो सी। सावित्री सत्यवान ने कह लगी पेड़ के नीचे बैठी बैठी अरे पेड़ से नीचे उतर पति तू फीका पड़ गया चेहरा पेड़ से नीचे उतर पति के फीका पड़ गया चेहरा तेरे मरम ने मैं जानू ना और किसी ने तेरा सो जागा बीच तू तेरा तेरे कोटे पर सिर धरे सो जागा बीच तू तेरा। अरे छोट लकड़िया ओ छोट लकड़िया अब पाल मरे तो क्यों दुख पावे से काया के मां भड़क लाग री हो जाकर सावे से चेहरा तेरे मरम न मैं जानू ना और किसी ने देरा सुख दुख माई सेवा करने का फर्ज पति जी मेरा।